मुस्लिम वेडिंग्स में क्या होता है, ठीक है, मुस्लिम वेडिंग्स में स्टेज होता है और स्टेज के ऊपर होते हैं गद्दे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हो गद्दे मुजरा, नहीं, नॉर्मल गद्दे, ठीक है। और मुस्लिम वेडिंग में दूल्हा जो होता है वो स्टेज पे बैठता है ये पोजीशन में, सब लोग देख रहे, दूल्हा बैठता है ये पोजीशन में, हाँ तू तो देख रहेगी। दूल्हे के बाजू में काजी साहब बैठते हैं, हाँ काजी साहब मुस्लिम पंडित, हाँ और उनके बाजू में बैठते हैं दो गवाह, एक इस तरफ एक इस तरफ, ये होते हैं विटनेस कि हाँ निकाह हुआ है हमने सुना है। और बीच में एक होता है माइक जिसमें बोलते हैं कुबूले कुबूले कुबूले, ठीक है, वो माइक रहता है जिसमें सब लोग सुनते हैं कि हाँ हमने सुना है निकाह हुआ है। और मुझे पता भी नहीं था कि ये कुबूले 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 क्यों होता है ऐसा तीन बार, मैं छोटा था तो मेरे को नहीं समझ में आता था, मैंने अपने चाचा से पूछा कि चाचा ये तीन बार क्यों होता है, तो मेरा चाचा बोलता है औरतों को एक बार में समझ में कहाँ आता है। Women don't like this joke. You didn't like, ma'am? You didn't like it? चाचा बोला, मैं नहीं, मेरा चाचा सेक्सिस्ट है, मैं तो फेमिनिस्ट हूं, मैं तो चाची को गया और बताया कि चाचा देखो ये सब बोल रहा है, मेरी चाची बोलती है बेटा कुछ समझा नहीं, ना इधर आ चाची और दो बार बता दो। I didn't like it. I can understand you didn't like this joke, right? I totally understand with you. But मेरी चाची को ये joke मैंने सुनाया and she approved के like sexist थोड़ा offensive है but funny है and she is very sporty, she can take joke and she's in the house, give it up for her. She's in the house. सर चाचा allow नहीं करता बाहर जाने। ये जोक पे एक मुस्लिम अंकल ऑफेंड हो गए, वो खड़े हो गए बोले लिसन दिस इज रॉन्ग, वी डोंट ट्रीट वुमेन लाइक दिस इन इस्लाम, ओके। आई वाज लाइक अंकल आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी, आपकी वाइफ कहाँ है? ही इज लाइक पहली वाली दूसरी वाली। आई वाज लाइक ओ इस्लाम। तो उस दिन मुझे पता चला कि तीन बार जो बोलने का कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होता है, दिस इज नॉट द रीजन। बट ये आपको मैं सिर्फ सेटअप बता रहा था, ठीक है, आपने देख लिया ये लेआउट पूरा निकाह का जो स्टेज का सेटअप है, हाँ ध्यान से याद रखना ये बहुत काम आएगा, हाँ ऐसा नहीं कि लाइफ में काम आएगा एक दिन हम सबको कन्वर्ट कर दे, नहीं नहीं What I mean is कि आगे जो जोक सुनाने वाला हूँ उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। अब हनीफ निकाह के लिए जब बैठने वाला था तो मैंने हनीफ को बोला कि हनीफ जो जूते हैं वो तू पिछवाड़े पे रख और बैठ जा। See this is a good idea कि दूल्हे को निकाह से कोई खड़ा करके तो जूते चुराएगा नहीं। हनीफ बोला यार आइडिया अच्छा है। हनीफ ने जूते रखा, हनीफ बैठ गया, बस अब निकाह की जगह पे बैठ गया। मैं अब चिल हो गया हूँ कि भाई जूते बच गए, अब इंजॉय करते शादी। हाँ दिल्ली में लड़कियाँ खूबसूरत है बहुत, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, हाँ सिंगल भी था तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, लड़की आई स्माइल करी मेरे सामने, मैं बोला ये क्लोज आ गई, मैं और स्माइल किया और क्लोज आते जा रही है, मैं बोला भाई दिल्ली वाली फास्ट है, और पास आते जा रही है, मैं थोड़ा ऐसे हूँ और पास आते जा रही, मेरे एकदम पास आ गए और मेरे को बोलती है लक्स रोज से नहाते हो आप, अब बात आगे नहीं बढ़ सकती है।
मतलब बहन मेरे को बता खाना कहाँ। मैं पहुंच गया, मैं पहुंचा कहाँ पे? वो चाइनीज काउंटर। चाइनीज काउंटर को देख के लग रहा है ये क्या है कि यहाँ ब्लास्ट हुए हैं, दो भगोने ऐसा उल्टे पड़े हुए हैं, वो केटरिंग वाले की लाश पड़ी हुई है, सारे मंचूरियन बॉल दीवार में चिपके हुए हैं, यहाँ जंग हुई है जंग। आज लाइक भाई मेरे को नहीं खाना है, मैं जा रहा हूँ निकाह, स्टेज सेफ है। स्टेज की तरफ जैसे ही मैं आ रहा था, मैंने नोटिस किया कि अब जा नहीं सकता स्टेज पे क्योंकि निकाह शुरू हो चुका है, और मैं स्टेज पे इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि अब जगह ही नहीं है जाने की। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं निकाह दूर से इन्जॉय कर लेते, स्पीकर है ही। मैंने नोटिस किया कि स्टेज पे देख के कुछ लोग हंस रहे। आज लाइक हंस क्यों रहे? मैंने भी थोड़ा देखा स्टेज पे, ऐसा गौर से देखा, तब मेरा ध्यान गया कि वो जो जूते के लिए छीना झपटी चल रही थी उसमें हनीफ की सलवार फट गई है। हनीफ ने पहना है पर्पल कलर के अंडरवेयर। मैं बोला मैंने इज्जत बचाया था और ये इज्जत जाएगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी हनीफ की इतनी अच्छी दोस्ती है, ग्रेट केमिस्ट्री, मेरे को हनीफ को इशारे में ही बताना है। हनीफ, भाई तेरे कोटे दिख रहे हैं। हनीफ बोलता है दिखने दे, इसको लगा मैं बोल रहा हूं तेरे जूते दिख रहे। मैं बोला ये तो राइम होता है, इसको तो लग रहा होगा। मैं बोला वर्ड चेंज करना पड़ेगा, लौंडे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लेंगे। मंचूरियन बॉल दिख रहे हैं। बाजू में से एक आंटी निकली, बोले बेटा कहाँ है? बोलते खत्म हो गए। मैं बोला आंटी जहां पे है तुम पहुंच नहीं पाओगी। वो चाइनीज काउंटर के पीछे दीवार में ऊपर चिपके हुए ना। अब मुझे आ रहा है गुस्सा कि यार समझ क्यों नहीं आ रहा इसको है? मैं गुस्सा हो चुका हूं कि लाइक हनीफ। अब हनीफ को भी गुस्सा आ गया। हनीफ बोला ये क्या है तेरा कोटा? हनीफ को और गुस्सा आ गया और उसको अभी भी लग रहा है जूते की ही बात चल रही है। मेरे को बोलता है कोई निकाल के नहीं लेके जाएगा। ले जाने दे, मेरे को कलर ऐसे भी नहीं पसंद। चुप ही नहीं हो रहा, गुस्से में आ गया। बोले 5,000 दूंगा वापस आ जाएंगे। मैं बोला मत। मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा और हनीफ का केमिस्ट्री अच्छा नहीं। अब है मिशन काशिफ। काशिफ हनीफ के पास ही बैठा हुआ है। मुझे सिर्फ क्या करना है, काशिफ को बताना है कि ये प्रॉब्लम है, और हनीफ को क्या करना है, काशिफ जब हनीफ को कान में बता देगा तो हनीफ को क्या करना है? That's it. ये चारों बच्चों को मैं मिल गया। हाँ बोला देख मेरा दोस्त प्रॉब्लम में है। बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला देख
सेम पिंच बच्चे को 5,000 रुपये दिया, बोले जूते पे थूक, मैं बच्चे गए मिशन काशिफ कंटिन्यू। काशिफ 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 इतने ध्यान से निकाह सुन रहा है ऐसा लग रहा है उसकी प्रॉपर्टी लिख के दे रहे। काशिफ 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 अबे पहरे लौड़ा काशिफ मेरे को गुस्सा आ रहा है ना, और इसने सुन लिया इस बार मेरे को बोलता है क्या हुआ भाई उधर देख किधर देखो मैं खुश हो गया कि यस काशिफ को पता चल गया, और अब बस काशिफ हनीफ को कान में जल्दी से बता दे। अब मैंने बोला लौंडे लोग क्या ही वर्ड चूज कर लेंगे। काशिफ हनीफ को जब कान में बताने के लिए लीन हुआ तो काजी साहब को लगा गवाह कुछ कहना चाहता है। तो काजी साहब ने माइक काशिफ की तरफ कर दिया, और काशिफ अभी माइक में बोल रहा है नहीं तेरे मंचूरियन बॉल दिख रहे, पूरी बारात खड़ी हो गई कि बेटा कहाँ है, खत्म हो गए। पूरी बारात को मालूम पड़ गया कि बन के जमाई की सलवार फट गई है। इतना सब क्योस चल रहा था, इसके बीच में हम लोग ने खाना वाना खाया, नॉर्मल हुए, अब डायरेक्ट विदाई विदाई लड़की का टाइम रहता है, सब चल रहा है। मुझे आर्ट एंड डेकोर का बहुत शौक है, तो मैंने बोला हनीफ की सुहागरात का कमरा मैं सजाऊंगा। उसकी बहन बोले नहीं 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 नहीं, तू पढ़ा लिखा है ना, तू पढ़ा लिखा है, हमें यहाँ तेरी ज़रूरत है। तो मैं बोला क्या बात है बताओ, बोले दहेज का हिसाब करने। बोला काश तुम लोग भी पढ़े लिखे होते। मैं बोला नहीं नहीं मैं तो कमरा सजाऊंगा। मैं पहुँचा घर पर, कौन सा कमरा सजाना है पता है, जो पहले दिन हमको मिला था। तो बरेली फुफ्फू को इन लोगों ने स्टोर रूम में शिफ्ट किया, स्टोर रूम वाले बुड्ढे लोग को इन लोगों ने टेरेस पे शिफ्ट किया, और हम लोग का सामान आंगन में पड़ा हुआ है। मेरे को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा काम रहा। मैंने कमरा सजाया और एकदम दिल से सजाया, क्योंकि पहली बार यूपी का बंदा दिल्ली में कंसेंट के साथ सेक्स करने वाला। तो इतना तो बनता है, तो मैंने कमरा सजा दिया, और अब हमारे पास सोने को जगह नहीं। काशिफ आया, मैंने काशिफ को बोला काशिफ तो कभी सितारों की चादर के तले बैठा है? काशिफ बोले बहुत हो गया, मैं ट्रेन की टिकट बुक कर रहा हूँ कल की। मैं बोला भाई कर दे कोई बात नहीं, तू कर दे, लेकिन आज की रात कैसे निकालेंगे। मैंने चेस बोर्ड निकाला, बोला देख भाई की सुहागरात है, अपन भी घोड़े दौड़ाते हैं। और वो गुस्से में तो मैं जानबूझ के चेस हार रहा हूँ, ऐसा रानी उठा के गटर में फेंक दिया। मैं बोला काशिफ तू जीत जाएगा, बोले मैं तो रानी मारा ही नहीं, मैं बोला तेरे को देख के सुसाइड कर ली। लेकिन उसने ट्रेन की टिकट बुक कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग जब निकल रहे थे, हनीफ आया, बोले रुको हनीफ बोलो। मैंने बोला हनीफ बहुत हो गया, बहुत जलील हुए, बहुत बेइज्जत हुए, और हमको रोकने की कोशिश करना भी नहीं, हमको नहीं रुकना, हम जा रहे। हनीफ बोलता मैं रोक भी नहीं रहा। बोले मैं ये बोलने वाला था कि दुल्हन के आने के बाद हमारे घर में एक शाही दावत होती है, तो तुम लोग शाही दावत खा के ट्रेन के लिए चले जाओ, अभी टाइम है। तुम बोला तेरे को क्या लग रहा है, हम लोग ने कभी शाही दावत नहीं खाया? हाँ नहीं खाया। तो मैं बोला काशिफ को, मैं बोला काशिफ टाइम है। काशिफ बोला चल ठीक है। हम लोग गए बैठे, रोटी आई गर्मा गर्म, कटोरे में एकदम सालन आता है ना,
सालन आया। तो सालन में क्या होता है ना, सालन जब आप ऐसे हिलाते हो ना तो ऊपर तेल होता है, ठीक है, तो आप जब ऐसे हिलाते हो ना सालन को तो तेल जो है ना वो हटता है और ऐसे ग्रेवी ऊपर आती है। तो मैं हिलाया, तेल हटा और तेल ही ऊपर आया। बोला हनीफ ये क्या है, इसमें तो सिर्फ तेल ही है। हनीफ बोले ये तेल नहीं है, ये प्योर घी है। ये हमारे में रिवाज, जो जितना रईस होता है, जितना अमीर होता है ना, उनके घर के खानों में इतना घी इस्तेमाल होता है। काशी बोलता भैंसो कमरे नहीं है तुम लोग के पास। ये घी ना डाल ले। मेरे को बोलता है ये चले शाही दावत खाएगा। मैं डर के उठ गया, रोटी जेब में। पहुंचे स्टेशन, मुझे पता है काशिप मेरे को मार डालेगा, बहुत गुस्से में था, मेरी वजह से सब प्लान खराब हुआ। लेकिन ऑपोजिट हुआ, ट्रेन में हम बैठे, काशिप ने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात किया। मुझे बोल रहा भाई अपन जैसे ही बम्बई पहुंचेंगे ना, स्टेशन से बाहर निकल के ये 3-4 को मारूंगा। बैग में से मिठाई का डब्बा निकाला और मैं काशिफ को दिया। मिठाई का डब्बा इज अ साइन ऑफ सेटलमेंट। काशिफ ने मेरे से दोस्ती ही तोड़ दी, इतनी गहरी दोस्ती, अच्छी फ्रेंडशिप काशिफ ने तोड़ दी। एक महीने तक काशिफ ने ना मेरा फोन उठाया, ना मेरे से बात की, ना मुझसे मिला। एक महीने के बाद अचानक सुबह 5 बजे काशिफ के 25 मिस कॉल्स। कभी वो करता नहीं है ऐसा। मेरी सुबह 6 बजे के अराउंड आँख खुली ना तो मैंने डायरेक्ट कॉल बैक किया। जैसे ही मैंने कॉल बैक किया उसके भाई ने फ़ोन उठाया। मैं बोला क्या हो गया भाई, काशिफ कहाँ है? और इतने फ़ोन, रो रहा था वो। मैं बोला क्या हो गया? बोले भाई काशिफ भाई ठीक है लेकिन मेरे डैड है ना। बोला क्या हो गया तेरे डैड? बोले उनकी डेथ हो गई, काशिफ के अब्बा का इंतकाल हो गया, पास्ट हो गया। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था क्योंकि मैं उनसे 2 दिन पहले मिला था। वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान, हेल्दी। एंड काशिफ की अम्मी नहीं थे, उसका एक छोटा भाई है, उसकी एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है। तो मॉम तो ऐसी नहीं थी और अब डैड भी नहीं। सुन के मैं थोड़ी देर के लिए एकदम फ्रीज हो गया। 2-3 दोस्तों को कॉल किया कि जल्दी से मसीना हॉस्पिटल पहुँचो। शॉर्ट वर्ट पहना, बाइक की चाबी लिया, पानी पिया, हंसो मत यार। मैं हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल सुबह 6:30 बजे का टाइम, एकदम सन्नाटा। काशिफ है ना पोस्टमार्टम रूम के बाहर एक बेंच पे बैठा हुआ। सुबह का टाइम हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा, जैसे अभी यहाँ पे सेम। तू पेट्रोल पी गया ये क्या? तो बड़े टायर वाली गाड़ी नहीं चालू होती। रुक जा। काशिफ का बाप मरा है। बहुत इंटेंस माहौल है हॉस्पिटल का। 4-5 दोस्त हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, वी आर डिस्कसिंग के यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम जिंदगी को सीरियस नहीं ले रहे यार। हाँ ये सब चल रहा है। और उतने में हमने नोटिस किया कि काशिफ जो बेंच पे बैठा हुआ है, नर्स ने एक आदमी को ला के उसके बेंच पे बिठाया। हम लोग ने देखा, काशिफ ने भी देखा, और आदमी भी एकदम चुपचाप ऐसा नज़रें नीचे झुका के एकदम चुपचाप ऐसे बस बैठा हुआ है, ठीक है। 15 मिनट के बाद अचानक इस आदमी ने पता है क्या किया? ये आदमी दिमाग से
और हम लोग के यहाँ पे हंसी निकल गई। लेकिन कंट्रोल किया कि इसका बाप मरा है। जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है ब्रो। और हम भूल गए कि यहाँ पे क्या हुआ ये वो, ठीक है भूल गए। और हम ये भी भूल गए कि यहाँ पे ये जो आदमी बैठा हुआ है इसके अंदर अभी भी ये फीचर है। हमें नहीं पता ये कि चार्जिंग में है। ये 15 मिनट तक चुपचाप ऐसे बैठा हुआ है। इस बार अचानक पता है इसने क्या किया? आप लोगों को पता है काशिफ का बाप मरा है, आप भी हंस दिए, इस बार काशिफ भी हंस दिया। और काशिफ को हंसता हुआ देख के हमें हिम्मत आई। और हम लोग फिर रुकने की कोशिश कर रहे हैं बट अब रुके नहीं जा रहा। हंसी बिल्डअप होते जा रही है क्योंकि हम छुपके से हंस रहे हैं और बिल्डअप हो रही है। और हनीफ इतना हराम ये भूलने दे रहा नहीं। हम लोग आगे बोल रहे कि क्या क्या लगा रखा तुम लोगों ने, हंस रहे हो, शर्म आ रही जरा भी? अब कोई भी हंसा ना मैं डिचियाँ कर दूंगा। और हंसी रुक ही नहीं रही है। तो जब आपको पता है अब हम लोग बचपन में करते थे कि जब हंसी बहुत आती थी और हमको नहीं हंसना होता था तो हम सैड चीज़ें याद करते थे, इंटेंस चीज़ें लाइक हमारे ट्रॉमाज याद करते थे कि ताकि हंसी ना आए। तो मैं भी याद कर रहा हूँ बचपन के ट्रॉमाज के। हाँ मामू क्या बोला था, चॉकलेट है, वो चॉकलेट नहीं थी। हाँ ठीक। लेकिन भूल नहीं पा रहे क्योंकि अब वो हंसी खुल के नहीं हंसे ना, अंदर ही बिल्डअप ही हो जा रहा है। और आपने ये भी सुना है कि कुछ आप ऐसा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ट्रेजिक देख लो तो आपको हंसी रुक सकती है। और ऐसा ही हुआ हॉस्पिटल में। एक यंग लड़का स्ट्रेचर पे पूरा तड़प रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डेड, तड़प रहा है पूरा खून खून खून। और उसको देख के सच में हम लोग डर गए। और हम लोग लाइक बहुत ही इंटेंस हो गए कि यार ये क्या हो गया, या अल्लाह इसके साथ क्या हो गया। हम लोग स्ट्रेचर के साथ देख रहे हो उसको तड़प रहा है, पुलिस वाले उसको लेके आ रहे। हम लोग सब पूछे भी सर इसको क्या हो गया, पुलिस वाला बोलता है इसको किसी ने गोली मार दी। और हनीफ कितना हरामी है, पुलिस वाले को बोलता है सर इसको गोली कब लगी, पुलिस वाला बोलता है अभी लगी, बोले इन्होंने चलाई। मैंने आइडिया लगाया कि जब आप एक चीज पे खुल के नहीं हंसते हो तो एक बार खुल के हंस दिए, दो बार जोक पे हंसी आती है राइट, तीन बार नहीं आ सकती। तो जस्ट बिकॉज हम स्टॉप नहीं हो रहे इसका रीजन है हम खुल के नहीं हंसे। मैं हंस दिया खुल के, दोस्त लोग भी देख के हंस दिए कि एक बार हंस के खत्म करो यार, ऐसे तो कब्रिस्तान तक हंसते हो जाएंगे। तो मैंने खुल के हंस दिया और काशिफ भी कंफर्टेबल हो गया, वो भी कब से हंस रहा है ऐसे, तो वो भी खुल के हंस दिया। अब हम लोग सब हंसने लगे। और काशिफ की जो बहन है उसकी शादी हो गई है, वो पुणे में शादी हुई है, तो उसको भी पता ना बाप मरा है, तो वो हॉस्पिटल आई और उसने देखा हम सब हंस रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसको लगा हमने प्रैंक किया है। वो आके काशिफ पे भड़क गई कि काशिफ तू पागल हो गया, कोई इतना गंदा मजाक करता है कि अब्बा मर गए पागल। अब काशिफ बाद में तो नहीं बोल सकता ना, काशिफ को तो उसी वक्त बोलना है। और काशिफ तो हंस रहा है, तो काशिफ बोला नहीं नहीं अब्बा तो मर गए। की बात है, 7 साल हो गए इस चीज को। काशिफ की बहन ने आज तक काशिफ के साथ बात नहीं करी उसके बाद। मैं काशिफ को बोला कि तू जा अपनी बहन के घर मिठाई का डब्बा लेके। लेकिन मिठाई का डब्बा तो घर के बड़े लेके जाते हैं ना।
किसी को बुरा लगा? ये फिक्शन है, काशिफ के अब्बा की डेथ ऐसे नहीं, उनको एड्स था। सच में वो नहीं कर पाए सर्वाइव यार, बट उनको हुआ काशिफ के 2 साल बाद, काशिफ हेल्दी है। वो ऑफेंड तो नहीं हुआ? आई टेल यू, क्योंकि हम इंडिया में ना, हमें ऑफेंड होना आता नहीं है, क्योंकि हम हर चीज में हर पल हम लोगों को इतना ऑफेंड करते हैं। इसका रीजन पता है क्या है? हम लोगों ने कंटेंट ऐसा कंज्यूम किया है कि हमको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि ऑफेंसिव क्या है और क्या नहीं है। आप लोग मुझे बताएंगे इंडिया में सबसे ज्यादा काला जादू कहाँ पे होता है, किसी को पता है? बंगाल, कोलकाता? नहीं 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 नहीं, कलर्स और स्टार प्लस पे। वो देखे सारे शो, हर शो कुछ ना कुछ काले जादू के बारे में ही है। वो एक आते नजर करके कुछ आता था काला जादू, वो कहता नागिन काला जादू, कहता नजबली है रेमो डिसूज़ा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप लोग अग्री करते हो कि नहीं, डिसेबल लोगों को टैलेंटेड नहीं होना चाहिए। यू अग्री? नहीं, नो, आई टेल यू, दादर स्टेशन देखा है? अगर दादर स्टेशन पे बिजिएस्ट, राइट, बहुत ही बिजी रहता है ऑलवेज, इतने सारे लोग, भीड़, दादर स्टेशन पे आपको कोई अंधा भागते हुए दिखे, आप शक करोगे ना कि ये अंधा नहीं है? वो अंधा ही है, उसका सिक्स सेंस अच्छा है, सिक्स सेंस नहीं, सॉरी, फिफ्थ सेंस अच्छा है, समझा? नहीं समझा? दो बार बार बताऊं? इसका क्या बैड लग है यार, इसी को नहीं समझा? क्या ही झंडा लेके घूम रही थी फेमिनिज्म? भले उसका फिफ्थ सेंस अच्छा है, बट लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे, लोगों को पता है कि नहीं झूठ बोल रहा है। इंडिया में अंधा जो है वो अच्छा रनर नहीं बन सकता, लोग शक करेंगे, अच्छा सिंगर बन सकते। इसी तरह लंगड़ा जो है वो अच्छा रनर नहीं बन सकता ऑब्वियसली, लेकिन वो अच्छा दोस्त बन सकता है। हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, आपने सुना नहीं, कि तेरे सच्चे अच्छे बेहतरीन दोस्त वही है जो तेरे बुरे वक्त में तेरे साथ एक टांग पर खड़े रहे। आई एम मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी, राइट? या आई एम मेकिंग फन ऑफ डिसेबिलिटी, बट हम एज अ सोसाइटी डिसेबिलिटी को गाली देते। आई टेल यू, जब हमें किसी का धक्का लग जाता है तो हम उसे कहते हैं अंधा है क्या, अंधा, इट्स अ इंसल्ट, राइट? इट्स किसी की एक कमी है, बट आप किसी को गाली देते वक्त इसको यूज कर रहे हो। मैं तो फिर भी मजाक उड़ा रहा हूँ, आप तो एज अ गाली यूज करते हो। मैं इस तरह का ये जोक करता हूँ ना, तो कितने लोग मेरे को भी बोलते हैं कि तू डिसेबल लोगों पे जोक करता है, पागल हो गया है? सी, हमें पता नहीं है कि हम क्या ऑफेंसिव कह देते। मैंने सबसे पहले आपको एक सेक्सिस जोक पे हंसाया, उसके बाद मैंने आपको एक डेथ जोक पे हंसाया, फिर मैंने आपको एक रेसिस्ट जोक पे हंसाया, और फिर मैंने आपको अभी एक डिसेबल जोक पे हंसाया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी, कि आप ये 4 चीजों पे इस कमरे के बाहर नहीं हंसोगे, राइट? द रीजन इज कि आपने एज अ जोक ये सुना, भाई वेदांत तेरे को हर्ट हुआ ये?
तेरे सेंटीमेंट हर्ट हुए इससे? नहीं, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी, क्योंकि आपने साइन इन किया, क्या आपने सोचा है कि हाँ मैं कॉमेडी सुनूंगा, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ कॉमेडी राइट? नो, आप सब नीच हो. नहीं, आई टेल यू, दिस इज द ब्यूटी ऑफ कॉमेडी. और वही है कि जहां लोग सोचते नहीं है ना, मैं वहां हंसाऊंगा.